अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, हैदराबाद का फेमस डिश मटन मरग। जी हाँ, वो भी एक अलग ही अंदाज में, आसान तरीके में आज नवाब्स किचन के स्टाइल में आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, आज हम लोग मटन मरग बना रहे हैं। उसके लिए थोड़े स्पाइसेस को पाउडर बनाएंगे, ग्रीन चिली पेस्ट बनाएंगे और कैश्यू नट्स भी पेस्ट करेंगे। उसके बाद चिरंजी का भी हम लोग पेस्ट बनाएंगे और थोड़े ड्राई पाउडर्स भी प्रिपेयर करेंगे, सिनेमन का ड्राई पाउडर और शाही ज़ीरा, ग्रीन कार्डमम, क्लोव्स और ब्लैक पेपर। और कबाब चीनी को हम लोग एज इज इसी तरीके से हम लोग रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब इन सारे रॉ स्पाइसेस का पाउडर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो कबाब चीनी है उसको हम लोग डायरेक्टली उसी तरह से रेसिपी में यूज़ करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग पेस्ट और पाउडर करे बाद हम लोग इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। पहले हम लोग ग्रीन चिल्ली पेस्ट लेंगे, इसी ग्रीन चिल्ली पेस्ट में हम लोग पहले कबाब चीनी डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें ग्रीन कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डाले बाद हम लोग इसमें क्लोव्स पाउडर ऐड करेंगे, लवंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग इसमें शाही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे, सिनेमन पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे बाद हम लोग ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे। सारे पाउडर्स ऐड करे बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। फाइनली हम लोग इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छी तरह मिक्स करके रेसिपी में यूज करेंगे। बॉल गरम होते ही पहले हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के साथ साथ हम लोग इसमें प्योर घी भी ऐड कर रहे हैं। ऑयल और घी अच्छी तरह गरम हो गया है। नेक्स्ट हम लोग इसमें चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनिश शेड में आते ही हम लोग पहले मिक्स करके रखा हुआ ग्रीन चिल्ली पेस्ट और उसके स्पाइसेस ऐड करेंगे। इन
सारे मसाले अच्छी तरह पकते वक्त हम लोग इसमें गोश्त ऐड करेंगे। सारे मसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरह भुने बाद हम लोग पानी ऐड करेंगे। कैशू नट पेस्ट और क्रीम ऐड करने से पहले इसको हम लोग इसी वाटर में 1.5 आवर तक अच्छी तरह बॉईल करेंगे। डेढ़ घंटा अच्छी तरह पकाए बाद हम लोग गोश्त अच्छी तरह बॉईल हो गया है, इसी वक्त हम लोग इसमें कैशू नट्स का पेस्ट और चिरंजी पेस्ट ऐड करेंगे। काजू पेस्ट ऐड करे बाद हम लोग इसमें मिल्क क्रीम भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें प्योर ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। माशाअल्लाह मटन मरख परफेक्टली बन गया है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। इसी मरख को हम लोग रोटी के साथ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Thank you.
आज का ये हैदराबाद स्पेशल डिश देख के आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और एक ख़ास बात, आप भी अपने घर पे कोशिश करिए, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है, बच्चे भी बहुत पसंद से खा रहे थे। आप भी अपने घर पे कोशिश करके अपने बच्चों को खिलाइए और कमेंट लिखना मत भूलिए। इन बच्चों तक कुछ ना कुछ पहुँचाने के लिए या नवाब्स किचन टीम तक पहुँचने के लिए 786gardfood@gmail.com पर मेल करिए। तब तक के लिए नवाब्स किचन टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।